Good morning students, how are you? Let's start today's EVS work. देखिए आज EVS में हम chapter first हमने पढ़ा था ना growing up, उसके हम fill-ups आज हम read करेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैंने options लिखे हैं, अब देखते हैं कि statement में कौन सा option हम fill करते हैं. देखिए number one क्या है? A baby learns to before it stand it starts standing. देखिए जो एक बेबी होता है वो स्टैंडिंग खड़ा होने से पहले क्या सीखता है. तो हमने अपने चैप्टर में क्या पढ़ा था? क्रॉल, मतलब वो खड़ा होने से पहले क्रॉलिंग करना सीखता है. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? रोल हम यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है? वो रेंगता है, ठीक है, घुटनों के बल चलता है. क्रॉल क्या होता है? घुटनों के बल चलना. तो खड़ा होने से पहले वो क्रॉलिंग करता है, क्रॉल करता है. नंबर टू, फूड गिव्स अस डैश टू वर्क. फूड हमें काम करने के लिए क्या देता है? हमारा ऑप्शन होगा एनर्जी, हमें ऊर्जा देता है. नंबर थ्री, स्लोली आवर हाइट एंड डैश इंक्रीजेस. और जो आराम आराम से होता है, स्लोली स्लोली हमारी हाइट और वेट, ठीक है, वजन, वेट क्या होता है? वजन इंक्रीज होता है, बढ़ता है. नंबर फोर, वी लर्न अबाउट थिंग्स एंड डैश अराउंड अस. हम क्या सीखते हैं? जो हमारे आसपास का माहौल होता है, उसके जो आदमी होते हैं उनके बारे में, हम पीपल्स के बारे में हम सीखते हैं, जो जो हम बड़े होते जाते हैं. नंबर फाइव, दिस इज़ द वे वी डैश अप. और इस तरह से हम क्या होते हैं? ग्रो. हम यहाँ पे क्या फील करेंगे? ग्रो मतलब हम बड़े होते हैं, हमारा विकास होता जाता है, ठीक है. ये आपके फिलअप्स थे और आप इनको लर्न भी करेंगे और अपनी बुक में भी फिल करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.